आज तक तो आप सोनिया, इंदिरा, प्रियंका, नेहरू और गांधी के असली चेहरे या कृत्यों को देखे और सुने होंगे, लेकिन राहुल गांधी के अब्बू जान को आज तक एक्सपोज नहीं किया गया, जो कि सबसे बड़े अय्याश व्यक्ति था। दोस्तों, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं जिससे देशवासियों को सच से रूबरू कराया जा सके। तो चलिए बताते हैं राजीव गांधी के असली चेहरे या कृत्यों की कहानी। इस खबर का सोर्स फेसबुक पेज आई सपोर्ट जयराम ठाकुर से लिया गया। आइए बताते हैं। राजीव ने दो वजहों से नेपाल को बर्बाद किया। एक बार वहां की राजकुमारी के साथ छिछोरापन करने की असफल कोशिश की और गिरफ्तार हुए, पर जी हां, महारानी के अंडर गारमेंट्स में आपत्ति पूर्वक कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिससे पूरा भारत शर्मसार हुआ। बाद में भारत सरकार के हस्तक्षेप से बच गए। दूसरी बार राजीव सोनिया के साथ पशुपति नाथ मंदिर दर्शन जाना चाह रहे थे, जहां राजीव को पुजारियों ने तब रोक दिया अंदर प्रवेश से, क्योंकि पशुपतिनाथ में तब परंपरा थी गैर हिंदू मंदिर में प्रवेश या पूजा नहीं कर सकते थे। फिर सरकारी हस्तक्षेप के बाद राजीव को तो मंदिर प्रशासन ने इजाजत दे दी, पर सोनिया को फिर भी नहीं जाने दिया। इस बात पर राजीव चिढ़ गए और वो मंदिर गए बिना ही लौट आए और भारत आने के बाद नेपाल की बर्बादी का खेल खेला। गैर हिंदू पृष्ठभूमि के कारण संसार के एकमात्र हिंदू राष्ट्र के प्रति द्वेष भाव ऐतिहासिक सत्य है। नेपाल के राज परिवार का लगाव व झुकाव सदैव भारत की ओर था। यह लगाव इतना था कि भारत के स्वतंत्र होने पर नेपाल के राज परिवार ने खुद राजपाट त्याग कर नेपाल का भारत में एक राज्य के रूप में विलय का प्रस्ताव तक रखा था, परंतु अकल पर भारी चट्टाने रख कर घूमने वाले तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था और तर्क दिया था कि वैसे ही इतना बड़ा देश संभालना मुश्किल हो रहा है, भला और अतिरिक्त भू भाग कैसे संभालेंगे। उसी नेहरू खानदान के कुलदीपक राजीव गांधी ने भारत के प्रति सदैव आदर व स्नेह का भाव रखने वाले नेपाली राज परिवार को नेपाल की सत्ता से हटाने हेतु पर्दे के पीछे से एक बहुत ही गंदा खेल खेला और आने वाले दशकों के लिए नेपाल को भारत के मित्रों की सूची से दूर करते हुए वामपंथी नेतृत्व के अंतर्गत चीन के प्रति झुकाव रखने वाला देश बनवा दिया। यह बातें निकल कर आई है रॉ के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर अमर भूषण की किताब इनसाइड नेपाल से, जिसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कैसे संवैधानिक लोकतंत्र के नाम पर राजीव गांधी के निर्देश पर कोवर्ट ऑपरेशंस लॉन्च कर नेपाल की भारत समर्थक हिंदू राजशाही को सत्ता से हटाया गया। अमर भूषण की पुस्तक इनसाइड नेपाल में राजीव गांधी के निर्देश पर लॉन्च किए गए कोवर्ट ऑपरेशंस की प्रकृति का भी उल्लेख है और यह भी बताया गया है कि किस प्रकार तत्कालीन नेपाल के विपक्षी दलों के संग मिलकर गुप्त तरीके से नेपाल के पूरे राजशाही सिस्टम को ध्वस्त किया गया। उस समय अमर भूषण, जो चीफ ऑफ ईस्टर्न ब्यूरो ऑफ रॉ थे, को एक नकली नाम जीवनाथन के अंतर्गत उनकी पहचान छिपाकर इन ऑपरेशन को अंजाम देने का दायित्व सौंपा गया था। उन्हें एक अनुभवहीन यूनिट बनाकर नए जासूसों को भर्ती कर राजा बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह देव की राजशाही का तख्ता पलट कर नेपाल में संवैधानिक लोकतंत्र लाने का मिशन दिया गया था। तत्कालीन राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने नेपाल के हिंदू मोनार्क की सत्ता समाप्त करने हेतु उस समय नेपाल में चल रहे जन आंदोलनों का समर्थन किया था और सैकड़ों वर्षों से जो नेपाल राज परिवार भारत के प्रति समान धर्म व संस्कृति के कारण मित्रतापूर्ण आचरण करता रहा, स्नेह व विश्वास का भाव रखता था, उसी नेपाल के राज परिवार संग राजीव गांधी ने यह गंदा खेल खेला और रॉ स्पॉन्सर्ड जन आंदोलन के नाम पर नेपाल के हिंदू राज परिवार को सत्ता से हटाने का षड्यंत्र रच दिया। राजीव गांधी की जब नेपाल नरेश बीरेंद्र बीर बिक्रम के संग नेपाल में लोकतंत्र लागू करने की वार्ता कई दौर की बातचीत के बाद विफल हो गई, तब राजीव गांधी ने भारत से नेपाल जाने वाली खाद्य सामग्री व अन्य आवश्यक वस्तुओं पर रोक लगा दी और नेपाल नरेश को नेपाल में लोकतंत्र लागू करने के लिए बाध्य किया, जिसके कारण नेपाल के राज परिवार को
जिसने तब तक चीन से दूरी बनाए रखी थी, उसे उसी चीन से सहायता मांगनी पड़ी और राजीव गांधी की इसी मूर्खतापूर्ण हरकत के कारण चीन को नेपाल के आंतरिक विषयों में दखल देने का अवसर मिल गया और साथ ही उसके बाद चीन धीरे धीरे नेपाल में अपनी जड़ें मजबूत करता हुआ नेपाल को भारत से दूर ले गया और आज भारत की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए नेपाल एक सरदर्द है। नेपाल में चीनी फुटप्रिंट रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक व प्रतिकूल परिस्थिति थी और भारत कभी नहीं चाहता था कि चीन की उपस्थिति कभी भी नेपाल में हो। यह किसी भी प्रकार से भारतीय हित में नहीं था, किंतु राजीव गांधी द्वारा बिना सोचे समझे उठाए विवेकहीन कदम ने भारत का यह दुःस्वप्न सच कर दिया। अंत में रॉ के चीफ के वर्मा को नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने का दायित्व दिया गया, जिन्होंने अपने विश्वासपात्र जीवनाथन को मैदान में उतारा। भूषण उर्फ जीवनाथन ने कार्यभार संभाला और माओवादी लीडर पुष्प कमल देहल उर्फ प्रचंड को काफी कूटनीति इस्तेमाल कर व मशक्कत कर अपनी तरफ किया और उसे अन्य विपक्षी पार्टियों से हाथ मिलाकर नेपाल की राजनीति में नेपाल के हिंदू राज परिवार के विरुद्ध एक ज्वाइंट फ्रंट बनाने को कहा, सबको राज परिवार के विरुद्ध एक साथ लड़ने को कहा। यही प्रचंड आगे चलकर 2008 व 2016 में नेपाल का प्रधानमंत्री भी बना। प्रचंड एक जाना माना वामपंथी है जो चीन का काफी करीबी है और समय समय पर भारत सरकार के विरुद्ध चीन को इस्तेमाल भी करता रहा है। पुस्तक इनसाइड नेपाल बताती है कि कैसे दुर्गम क्षेत्रों में विभिन्न राउंड्स की गहन बातचीत के बाद रॉ ने पुष्प कमल देहल उर्फ प्रचंड को राजीव गांधी का एजेंडा फॉलो करने के लिए मनाया, क्योंकि आरंभ में प्रचंड को भी भारतीय प्रधानमंत्री राजीव की इस आत्मघाती रणनीति पर विश्वास नहीं हो रहा था और बातचीत में एक समय पर तो उसने रॉ से यह प्रश्न भी किया था कि आखिर भारत को नेपाल में लोकतंत्र लाकर क्या फायदा मिलेगा। राज परिवार तो पहले से ही भारत की सभी नीतियों का अनुसरण करता है, परंतु भारत देश का दुर्भाग्य कि ऐसी विकृत मानसिकता से ग्रस्त विवेकहीन अदूरदर्शी राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 400 सीटों के अभूतपूर्व बहुमत के संग खून पीने वाले चमगादड़ के समान उल्टा लटका हुआ भारत के हितों को ही नुकसान पहुँचाने में लगा हुआ था। सावधान दोस्तों, आपको लगता है कि हम देश हित का काम कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि हमें गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आर्थिक मदद करें। हर हर महादेव।